चलिए, स्वागत है बच्चे आपका, आप लोगों का आज 10 नंबर सेट में। और बच्चे, मेरी आवाज़ सुनाई आपको दे रही है या नहीं दे रही है उसके बारे में आप बताएंगे। और बच्चे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज सेट नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चंस। पहला, एजे पॉल राज समिति किससे संबंधित है? तो बच्चे, ये एजे पॉल राज समिति जो है संबंधित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से यह संबंधित है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से यह संबंधित है, एकदम ध्यान में रखना है बच्चे। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अगर मानवीय बुद्धि जैसे बुद्धि का उपयोग, ठीक है, मशीनों के द्वारा किया जाने लगे। याद रखिए बच्चे, मानव जैसी, ठीक है, बुद्धि का उपयोग हम लोग किसके द्वारा? तो मशीनों के द्वारा करेंगे। बुद्धि का उपयोग, ठीक है, हम किसके द्वारा? तो बच्चे, उपयोग मशीनों के द्वारा करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? आपको मशीनों के द्वारा करते हैं, तो इसे याद रखिएगा, द्वारा करते हैं, तो इसे जो है कहा जाता है आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बिग डाटा अगर बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के आधार पर बिग डाटा जैसे सिस्टम का जनरेशन किया गया। बच्चे, 5G दूरसंचार सेवा, तो भारत जो है वर्तमान में 5G दूरसंचार सेवा की तरफ, ठीक, अग्रसर हो रहा है और लगातार भारत प्रगति पर है। बायोचिप क्या होता है? तो ये बच्चे ने पूछा है कि सर बायोचिप क्या होता है, व्हाट इज बायोचिप? तो बायोचिप जो है बच्चे, जब डीएनए का प्रयोग करके, डीएनए, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन का प्रयोग करके हम कंप्यूटर चिप का निर्माण करते हैं, जहां पर आपको क्या होगा कि ये देखिए, ये ऑर्गेनिक कंप्यूटर का निर्माण इससे किया जाता है, बायोचिप से। यानी इंफॉर्मेशन का संचार डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के माध्यम से किया जाएगा, तो इसे बायोचिप कहते हैं। चलिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चे, जीन में अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो याद रखिए उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। यहां देखिए, आपको पता है कि जीन जो है, जीन, ठीक है, जीन जीन किससे बना, जीन किसका बना होता है? तो ये देखिए, डीएनए, डीएनए बने होते हैं किसके? जीन के। और जीन में आपको पता होगा कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए, AGTC का कोडोन होता है, जीन कोडोन है, एकदम ध्यान में रखना। AGTC का कोडोन क्या है? तो आपका जिन है, एकदम याद रखिएगा, AGTC का कोडोन है। और जब इस AGTC, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इसके अनुक्रमण में अगर परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। याद रखिए बच्चे, उत्परिवर्तन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है आपको। तो ATGC के आपको जो क्रम है उसमें अगर परिवर्तन हो जाए तो इसे ही आपको, ठीक है, क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चे, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है यहाँ से। उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी आपको ATGC के अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा आपसे कि ATGC के अनुक्रम में अगर परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले आपको बताया था किसके बारे में? उत्परिवर्तन के बारे में बताया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड संक्रमण के खिलाफ पहला इनेबल वैक्सीन, बच्चे बहुत अच्छा है, इनेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये देखिए, ये आपको कौन सा देश है बच्चे? तो बहुत सारे देश ने आपको इसके संबंध में काम किया है, लेकिन पहली बार इनेबल वैक्सीन जो है वह लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? चीन के द्वारा बच्चे, चीन के विशेषज्ञों ने, जो वुहान लैब के, जो आप लोग जानते होंगे वुहान लैब, यहीं से कहा जाता है कि कोविड-19 का वायरस का संक्रमण हुआ था। तो वुहान लैब ने ही सबसे पहले इनहेबल, इनहेबल मतलब क्या हुआ? सांस के द्वारा, ठीक है, लेने लिए जाने वाले वैक्सीन का निर्माण किया था। तो बच्चे, वुहान लैब कौन सा लैब है? वुहान लैब था बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डी व्रीज, एकदम सही है बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात है। जल्दी से लाइक कर दीजिए जो भी बच्चे लाइव हैं। यहां देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना
कहलाता है। तो बच्चे ये क्या कहलाएगा, तो ये रोस्टर स्कैन कहलाता है, रोस्टर स्कैन कहलाता है, एकदम याद रखिएगा बच्चे, रोस्टर स्कैन कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बच्चे यहाँ दो तीन बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये देखिए कैमरा, कैमरा जैसे ही आए आपको तो कैमरा में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का, याद रखना बच्चे कैमरा में, ठीक है, कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए आपको फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म में किस रसायन का प्रयोग होता है, फोटोग्राफिक फिल्म में किस रसायन का प्रयोग हुआ, ये बार बार पूछेगा आपसे, फिल्म में रसायन, तो बच्चे फोटोग्राफिक फिल्म में जो रसायन का प्रयोग करते हैं हम लोग, सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का प्रयोग करते हैं, एकदम याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हाइपो सॉल्यूशन का भी प्रयोग किया जाता है बच्चे, क्या करने के लिए, तो आपको जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसको घोलने के लिए हम हाइपो सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, और इस हाइपो सॉल्यूशन में हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे सोडियम थायोसल्फेट का, एकदम ध्यान में रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करेंगे किसके लिए, तो बच्चे ये जो हाइपो सॉल्यूशन है उसमें, और इसमें Na2, ठीक है, H2O3 5H2O इसका प्रयोग किया जाता है बच्चे, इसको बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन, यानी कैमरा को क्या करता है, कैमरा में जो बोलते हैं उसका लेंस जो होता है बच्चे, फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है उसको घोलने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट का या हाइपो सॉल्यूशन विलयन का प्रयोग करते हैं, एकदम याद रखना बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT, याद रखिएगा, रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT कैथोड रे ट्यूब के रूप में किया जाता है, याद रखना है, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब के रूप में करते हैं, तो ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, रूप में करते हैं बच्चे, तो याद रखना है इसको, पॉइंटेड आपको फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। बच्चे प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन, तो ये होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल किसको कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड, ध्यान दीजिएगा जरा इस पर, न्यूक्लिक एसिड, जब भी न्यूक्लिक एसिड पर चर्चा करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड रूप से आपको बना होता है बहुत सारे चीजों का बच्चे, जनरली दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, ध्यान दीजिए बच्चे, डीएनए और आरएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहली बात क्या कि ये डीएनए जो है ये आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, आनुवांशिक गुणों का वाहक होगा, वांशिक गुणों का वाहक होता है बच्चे, और ये जो आपको आपका जो आरएनए है ये किसका वाहक होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है, प्रोटीन संश्लेषण में यह उपयोगी होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से ये देखिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, छोटे अणु होते हैं, डायपेप्टाइड होते हैं, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला का बहुलक होता है, ये मान सकते हैं बच्चे, और पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड तो होगा ही नहीं बच्चे, ठीक है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब क्या हुआ, बहुत, और पेप्टाइड मतलब क्या हुआ, प्रोटीन बच्चे, तो ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपके दिमाग में चला होगा सर ये न्यूक्लियोटाइड है क्या, तो न्यूक्लियोटाइड ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोटाइड, जब भी न्यूक्लियोटाइड की चर्चा करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के मुख्य रूप से तीन आपको पार्ट होते हैं बच्चे, सबसे पहले तीन पार्ट होगा, सबसे पहला होगा नाइट्रोजिनस बेस, एकदम ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजिनस बेस, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजिनस बेस होता है। फिर क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होगा यहाँ पर, फॉस्फोरिक एसिड होगा, और फिर क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आपको शुगर हो जाएगा, शुगर या सरकरा होगा, यानी तीन चीजों से मिलकर आपको न्यूक्लियोटाइड बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षारक, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड और सरकरा के बने होते हैं, तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, और रेगुलर वे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए अच्छी बात है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं,
चलिए बेटा, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। कह रहा है जलमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जलमंडल पूछ रहा है बच्चे, जलमंडल। आपको पता है कि आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी ठीक है, ये किससे घिरा हुआ है, तो ये तीन तीन लेयर्स होते हैं यहाँ पर बच्चे। क्या होता है, तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला क्या हो गया, स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरा क्या हो गया, तो बच्चे ये जल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया। तीसरा क्या हो गया, तो बच्चे वायुमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि जलमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से सघन वर्षा में संघनन से वर्षा में वृद्धि की है। ये गलत बात है बच्चे। आप ये बताइए कि अगर किसी प्रकार से ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन, तो क्या जी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संघनन से वर्षा में वृद्धि, कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि की है, तो वर्षा में वृद्धि की है। जलमंडल के गठन के समय कथन सही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। बच्चे वायुमंडल में वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, न कि कमी हो रही है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आएगी तो निश्चित रूप से संघनन में वृद्धि होगी और वर्षा में वृद्धि होगा। एकदम सही है ये, ठीक है। ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्रों से विकसित हुई और अंत में महासागरों को संतृप्त किया। ये गलत बात है बच्चे। ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्रों से विकसित हुई, कहाँ से होगा स्थलीय क्षेत्रों से विकसित, जनरली ठीक है पादपों से विकसित हुआ है ऑक्सीजन बच्चे। कहाँ से विकसित हुआ है, पादपों से विकसित हुआ है। पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवधि के दौरान जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उत्पन्न जलवाष्प संघनित होने लगा। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के जल में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई, जिसके फलस्वरूप अधिक संघनन और अधिक वर्षा हुई। तो बच्चे केवल ये तो सही है ही नहीं, केवल आपको एक ऑप्शन जो है आपका सही है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अगर वायुमंडल की विषय में हम चर्चा करते हैं तो वायुमंडल जो है आपका, ठीक है ध्यान में रखिए बच्चे, वायुमंडल जो है ये किसका निर्मित है, तो ये आपको वायु से निर्मित है, और वायु से निर्मित है, और बच्चे वायु से निर्मित है, और वायु जो होता है ठीक है, यह वायु जो होता है ये गैसों का मिश्रण होता है, तो ये ध्यान में रखनी वाली बातें हैं, बार बार यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा वायु वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। चलिए कोई बात नहीं है, यह रेडियो संचार में सहायक होता है। बच्चे रेडियो संचार में कौन सहायक होगा, तो यह आयन मंडल आपको सहायक होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन मंडल होता है, आयन मंडल। ध्यान दीजिए बच्चे, ये पृथ्वी है आपकी, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जो है क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है, उससे ऊपर जो है क्या है बच्चे, तो ये आ गया आपका ठीक है समताप मंडल है, इससे ऊपर मध्यम मंडल है, ठीक है उससे ऊपर मध्यम मंडल है, इससे ऊपर आपको आयन मंडल होता है, आयन मंडल होता है, और इसी मंडल में ध्यान दीजिए बच्चे, आयन मंडल, इससे ऊपर बहिर्मंडल होता है, और इसी मंडल में बहिर्मंडल, और ये देखिए आयन मंडल जो है यहां पर बहुत सारे आयनित गैस होते हैं, बहुत सारे आयनित गैस होते हैं। अब देखिए ये पृथ्वी है आपको, पृथ्वी से ठीक है पृथ्वी से परावर्तित ठीक है दीर्घ अवरक्त विकिरणों को क्या करता है, पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे ठीक है इसी घटना को के द्वारा आपको पृथ्वी पर क्या होगा, संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो पृथ्वी पर दीर्घ अवरक्त दीर्घ रेडियो तरंगों का संचरण संभव नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाह वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, कोई बात नहीं है, यह रेडियो संचार में सहायक होती है, क्यों, तो ओजोन परत की, बच्चे गलत बात है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाले परावहिनी किरणों को अवशोषित कर लेगा। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है, जिसे यह क्या करेगा, यह आयन मंडल परावर्तित कर देता है। तो केवल और केवल बी सही है, केवल और केवल दो सही है। देखिए बीपीएससी जो है वर्तमान में इसी तरह के प्रश्नों को पूछेगा बच्चे, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट वे में आपको है, आपके तर्क शक्ति का परख जो है इसके द्वारा होगा कि आप कितना जानते हैं और किस तरह से आप काम करते हैं। ध्यान में रखिएगा बच्चे, रेडियो तरंग पर जब हम चर्चा करते हैं तो रेडियो तरंगों
की खोज, ध्यान दीजिएगा, रेडियो तरंगों की खोज किसने की, तो बच्चे ये किया था मार्कोनी ने, एकदम ध्यान रखिएगा, मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की खोज की थी और यह बहुत इंपॉर्टेंट तरंग है और ये आपके लिए उपयोगी भी है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करा जिप्सम, जिप्सम का उत्पादन, जब बच्चे जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए जिप्सम जो है यह जो है आपको ठीक है सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है और राजस्थान में लगभग 80% जिप्सम का उत्पादन होता है, ध्यान में रखिए बच्चे। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है, एकमात्र अधातु उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, एकमात्र अधातु जो उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिए एकमात्र अधातु जो उष्मा विद्युत का सुचालक है, उष्मा और विद्युत का सुचालक है, एकदम याद रखिए बच्चे, विद्युत का सुचालक होता है, ये ध्यान में रखना है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। फ्लूरो इस्पात, बच्चे ये कैल्शियम फ्लोराइड होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होता है फ्लूरो इस्पात, और इसका उत्पादन सबसे अधिक कहां से होगा, तो गुजरात से होता है, एकदम याद रखिएगा गुजरात इसका सबसे अधिक उत्पादक है। निकेल, निकेल का उत्पादन उड़ीसा में होगा, निकेल का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक का डी का क्या हो गया, एक नंबर, डी का एक नंबर, फिर देखिए बी का तीन नंबर, बच्चे बी का तीन नंबर, तो यही आपका आंसर होगा सी नंबर, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए सड़ने वाले जीवाणु प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्रिया करते हैं, तो बच्चे जब भी सड़ने वाला बैक्टीरिया काम करेगा तो वह प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया, तो वह ध्यान में रखिएगा प्रोटीन्स पर काम करता है, प्रोटीन्स पर काम करेगा बच्चे, प्रोटीन्स जो है ये किसका बना होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा के बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बने होते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो सड़ने वाले बैक्टीरिया क्रिया करेगा किस पर, तो बच्चे प्रोटीन्स पर काम करेगा, प्रोटीन्स ठीक है, प्रोटीन्स जो है उसको वो क्या करता है, पचा जाने का काम भी करता है बच्चे। स्टार्च जो है, स्टार्च मनुष्य में ठीक है, मनुष्य में स्टार्च, मनुष्य के लिए स्टार्च बहुत अधिक उपयोगी है और स्टार्च मनुष्य में क्या होगा, तो बच्चे ये लंबे समय तक के लिए संचित होता है किसके रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, तो ये बातें याद रखिएगा। प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया किस पर काम करेगा, तो बच्चे प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया काम करेगा प्रोटीन्स पर, और प्रोटीन जो है शरीर निर्माता होता है, शरीर निर्माता है, एकदम ध्यान में रखिएगा शरीर निर्माता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आगे देखते हैं सामान्य लवण क्या होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, सामान्य लवण होता है तो अम्ल है, अम्ल तो अम्ल है, अम्ल है प्रबल अम्ल है, कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल को प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करा दीजिए बच्चे, प्रबल अम्ल को प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करा दीजिए, तो बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो सामान्य लवण कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो सामान्य लवण बनेगा, और ये सामान्य लवण कौन हो गया, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, बेरियम क्लोराइड हो गया सामान्य लवण, ध्यान में रखना बच्चे, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बेरियम ठीक है क्लोराइड किस प्रकार का लवण है, तो बेरियम क्लोराइड सामान्य लवण है। अब देखिए अम्लीय लवण, बच्चे अम्लीय लवण क्या होता है, तो वह लवण जो आपको क्या होगा, तो वह लवण जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन आयन अवश्य हो, तो यहां सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया अम्लीय लवण बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्षारीय लवण क्या होता है, तो क्षारीय लवण यहां देख लीजिए, द्विक लवण तो फिटकरी हो गया, और क्षारीय लवण क्या होगा, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्षारीय लवण हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्षारीय लवण हो गया, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, फेरिक ऑक्साइड क्षारीय लवण हो गया, तो एकदम याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आंसर क्या होगा, तो बच्चे एकदम याद रखना है कि जब प्रबल अम्ल और निर्बल क्षारक, ध्यान दीजिएगा प्रबल अम्ल और निर्बल क्षारक अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करेगा, तो यह अम्लीय लवण का निर्माण करेगा, एकदम याद रखना अम्लीय लवण बनाएगा, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर देखिए अगर आपको एक और ले लेते हैं, क्या बच्चे, तो निर्बल अम्ल ले लीजिए, निर्बल अम्ल
और प्रबल क्षारक ले लीजिए। निर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक ले लेते हैं, तब जब अम्ल का निर्माण होता है, तब जब लवण का निर्माण होता है, तो उस लवण को हम क्या कहते हैं, तो क्षारीय लवण कहते हैं। कौन सा लवण कहेंगे? क्षारीय लवण कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, बेसिक सॉल्ट कहते हैं। तो बच्चे द्विक लवण क्या होता है, तो द्विक लवण में ठीक है दो या दो से अधिक सामान्य लवण पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। तो बच्चे ए का दो नंबर हो गया, ए का दो नंबर हो गया, बी का तीन नंबर हो गया, कोई बात नहीं है, सी का चार नंबर हो गया और डी का एक नंबर हो गया बच्चे, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तकनीकों पर विचार कीजिए। अच्छी बात है, विचार कर लेते हैं ठीक है। स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक कौन है, तो स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक मतलब अपने ही स्थान पर क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, याद रखिएगा बच्चे ठीक है। आपको अपने ही स्थान पर उपचार हुआ, अपने ही स्थान पर उत्पन्न, अपने ही स्थान पर क्या होगा, उत्पन्न होगा और पुनः क्या होगा, अपने ही स्थान पर उत्पन्न पुनः ठीक है, आपको पुनः उपचार हो जाएगा, पुनः उपचार ठीक है, वही स्थान पर पुनः उपचार हो जाएगा। तो इस तकनीक को स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक कहा जाता है, स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक कहा जाता है। और इसमें कौन कौन आएगा, तो जैव उत्तेजन, ध्यान दीजिएगा, जैव उत्तेजन ठीक है, जैव उत्तेजन, उसके बाद क्या होगा, तो बच्चे जैव आवर्धन ठीक है, और जैव ठीक है, जैव निष्कर्षण। जैव ढेर क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम स्थानांतरित करके तब जाके निर्माण करते हैं। तो जैव उत्तेजन, जैव आवर्धन, जैव निष्कर्षण, सभी आपको क्या होंगे, तो बच्चे सभी जो है स्वस्थानीय जैव उपचार होता है, स्वस्थानीय जैव उपचार होता है। एक दो और चार, एक दो और चार स्वस्थानीय जैव उपचार होता है, जिसमें आपको जैव उत्तेजन मतलब क्या हुआ कि एक ही स्थान पर ठीक है जैव पदार्थों को एकत्रित करके फिर जा करके उसको हम क्या करते हैं, वहीं पर एक्टिवेशन करते हैं, जिसकी वजह से वह धीरे 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 विखंडित हो जाता है। जैव आवर्धन में क्या होगा, तो बच्चे जनरली ठीक है जिस स्थान पर जीव होता है वो उसकी संख्या में अचानक तीव्र गति से वृद्धि हो जाए तो उसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। जैव निष्कर्षण क्या होगा, तो जीवित पदार्थों के द्वारा ही कुछ ऐसे ठीक ऐसे आपको विषैले पदार्थ निष्कर्षित किए जाए जिससे उसका विघटन हो जाए, तो ये कंप्लीट जो प्रक्रिया होती है उसको स्वस्थानीय जैव उपचार कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अर्पानेट कब विकसित किया गया था बच्चे, अर्पानेट क्या है, तो प्रथम ठीक है प्रथम इंटरनेट है बच्चे, प्रथम इंटरनेट है, ध्यान में रखिएगा, प्रथम इंटरनेट है। ऐसे आपको अब पता होनी चाहिए कि इंटरनेट का विकास किसने किया, तो इंटरनेट प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो लिकलाइडर के द्वारा। इंटरनेट का प्रारंभ ध्यान दीजिए बच्चे, इंटरनेट का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ, तो प्रारंभ जो है विंट सर्फ के द्वारा। और अर्पानेट किसने बनाया, तो विंट सर्फ के द्वारा हुआ। इंटरनेट किसने बनाया, तो बच्चे प्रारंभिक इंटरनेट जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अर्पानेट कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया, ध्यान में रखिए बच्चे, इसका निर्माण लिकलाइडर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि किसने इसका निर्माण किया, तो लिकलाइडर ने इसका निर्माण किया था, किसका, अर्पानेट का। और ये आपको यूएसए डिफेंस विभाग द्वारा निर्मित किए गए थे, यूएसए के डिफेंस विभाग द्वारा निर्मित किए गए थे, ध्यान में रखिए बच्चे, डिफेंस विभाग द्वारा यह निर्मित किया गया था। तो यह ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो यूएसए के डिफेंस विभाग द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब निर्मित हुआ था, तो एकदम ध्यान में रखना बच्चे, इसका निर्माण 1969 में किया गया था। यही पहला इंटरनेट के रूप में प्रारंभ हुआ बच्चे, तो यह ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो बच्चे प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वह ताप से स्वतंत्र रहता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो ताप से स्वतंत्र रहता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है बच्चे, ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो ध्यान में रखिएगा, आपको जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप से स्वतंत्र रहता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय
पदार्थ, ध्यान में रखिए बच्चे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये क्या होगा तो ताप से स्वतंत्र रहता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप से स्वतंत्र रहता है, एकदम याद रखना है, ताप से स्वतंत्र रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र रहता है ये, इट डजंट डिपेंड ऑन क्या बच्चे, इट डजंट डिपेंड ऑन, ठीक है हाँ, टेम्परेचर, ये याद रखना है बच्चे। आपको पता होगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ ध्यान दीजिएगा जरा, लौह चुंबकीय पदार्थ ये आपको उच्च ताप पर, किस पर, लौह चुंबकीय पदार्थ आपको बदल जाता है किस में, तो बच्चे ये बदल जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ में, अनुचुंबकीय पदार्थ में यह बदल जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में यह बदल जाता है, और जिस तापमान पर यह बदलता है उस तापमान को हम क्या कहते हैं, तो क्यूरी ताप कहते हैं, ध्यान में रखिएगा क्यूरी ताप कहा जाता है, क्यूरी ताप कहते हैं, याद रखिए द टेम्परेचर, ठीक है, एट विच, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेज इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया बच्चे, ये फेराइट, फेराइट जो है ये क्या होता है, तो ठीक है लौह 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 पदार्थ होते हैं, तो एकदम ध्यान में रखना चाहिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण, ठीक है, अवधारणा पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बच्चे पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी जो आपको संक्रमण है यानी इस पर, ठीक है, आप इस पर किस प्रकार पर्यावरण के घटक जो है आक्रमण करके धीरे धीरे उसका संचरण करते हैं, यह बेनेट द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बेनेट द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, तो बेनेट के द्वारा किया गया था, एकदम ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा इन्होंने किया था, तो बेनेट द्वारा, ठीक है, अपनी पुस्तक में की गई थी। यह सिद्धांत सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों स्तरों पर, दोनों स्तरों पर, ठीक है, क्या है बच्चे, तो मान्य है, ठीक है, मान्य है, और इसमें क्या होता है कि देखिए धीरे 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 पारिस्थितिक संक्रमण हो रहा है, चाहे वो मनुष्य के पर्यावरण के द्वारा हो या मनुष्य द्वारा हो बच्चे, मनुष्य द्वारा हो या मनुष्य ने जो क्रिएट किया है, ठीक है, आपको अपने चारों तरफ और उसके द्वारा हो, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा यहां पर। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं होता बच्चे, लाल रक्त कोशिकाओं, आपको मैंने कई बार बताया है बच्चे कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी ध्यान में रखिएगा, कहां उत्पादित होगा, बोन मैरो में, बोन मैरो में उत्पादित होगा, अस्थि मज्जा में यह उत्पादित होगा, आरबीसी जो है, ठीक है बच्चे, इसमें ध्यान में रखना है इसमें क्या क्या नहीं होगा, पहली बात तो न्यूक्लियस नहीं होगा बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या नहीं होगा, तो न्यूक्लियस नहीं होगा, फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, और अंतरह प्रद्युत जनिका नहीं होती है, ध्यान में रखिए बच्चे, न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, अंतरह प्रद्युत जनिका नहीं होती है, ये देखिए न्यूक्लियस, सूत्रकणिका और अंतरह प्रद्युत जनिका होती है, गलत बात है, ठीक है, आपको आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं होगा बच्चे, क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं और अंतरह प्रद्युत जनिका भी नहीं होगा बच्चे। आपको पता है कि लेमूर और कैमल के जो रक्त है उसमें आरबीसी में क्या होता है, तो बच्चे पाए जाते हैं क्या, तो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, दो चीज मैंने बताया, लेमूर, लेमूर और आपको जो ऊंट है उसमें पाए जाते हैं बच्चे। आरबीसी मैंने कहा इसका जो एज होता है 120 दिन होता है, 120 डेज होगा आरबीसी बच्चे, इसका उत्पादन बोन मैरो में होता है, और यह क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करेगा बच्चे। एक चीज और ध्यान में रखना है, यह पोषक पदार्थों को भी आपको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, यह परिवहन तंत्र का मुख्य घटक है, यह परिवहन, परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कर दीजिए बच्चे, परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक होता है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक होता है, एकदम याद रखिए, तंत्र का मुख्य मुख्य घटक है कौन, तो आपका जो आरबीसी है वो घटक है, ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, केवल और केवल ए नंबर होगा बच्चे, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतः प्रद्युत जनिका नहीं पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, देखिए गामा किरण बच्चे, गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था, पॉल विलार्ड ने, और अगर पॉल विलार्ड नहीं रहेगा तब आपको मारना है क्या, हेनरी बेक्वेरल मारना है, ठीक है। हार्ड एक्सरे बच्चे, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे होता है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोंटजन ने किया था, ध्यान में रखिएगा, रोंटजन ने किया था एक्सरे की खोज। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी, रिटर ने किया था बच्चे, रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए सबसे अधिक, ठीक है, आवृत्ति जो होती है, सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी होता है वो गामा किरण का होता है, इसमें देखिए सबसे अधिक कौन हो गया, तो बच्चे पीटा, पीटा मतलब क्या हुआ 15, ठीक है, टेरा, टेरा मतलब क्या हुआ 10^12, ये देखिए पीटा का मतलब क्या हुआ 10^15, फिर देखिए एक्सा, एक्सा का मतलब क्या हुआ 10^18,
और पीटा का मतलब क्या हुआ, 10 to the power, ठीक है बच्चे, ये हो गया 15। अब देखिए क्या होगा भाई जी, ठीक है। तो सबसे पहले गामा किरण का निकाल लीजिए, ये देखिए सबसे अधिक होगा 715, यानी ए का 3 नंबर एक ही ऑप्शन में पकड़ में आ गया। बी का क्या हो गया बच्चे 100 पीटाहर्ज। और फिर देखिए सॉफ्ट एक्सरे का क्या होगा बच्चे, सॉफ्ट एक्सरे का क्या हो जाएगा, तो सॉफ्ट एक्सरे का हो गया 30 पीटाहर्ज। और पराबैंगनी विकिरण का या पराबैंगनी किरण का कितना होगा, 750 टेराहर्ज हो जाएगा। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा, तो एकदम सिंपल है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया था, देख लीजिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे। प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत किसने किया था, तो विरल देसाई ने। देखिए कहां पर विरल देसाई है, विरल देसाई ने किया था, विरल देसाई ने किया था, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, विरल देसाई ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो कैप्सिसिन है बच्चे, लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग होता है, टमाटर में लाल रंग का कारण कौन होगा, तो बच्चे ये होगा, याद रखना है ये लाइकोपीन होता है। कैरोटीन गाजर में नारंगी रंग, बोलिए गाजर में नारंगी रंग होगा इसके कारण, नारंगी या लाल रंग भी बोल सकते हैं गाजर में, ठीक है गाजर में, याद रखिए बच्चे गाजर में कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग भी क्या होता है, पीला होता है। एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है, और कैरोटीन के कारण क्या होगा, नारंगी होगा बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। हाँ, गाजर का नारंगी रंग, और देखिए एंथोसाइनिन के कारण प्याज का लाल रंग होता है, प्याज का लाल रंग होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा किस तरह का प्रश्न है और किस तरह से आंसर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है, तो बच्चे तापीय क्षेत्र से वर्तमान में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो जलीय क्षेत्र आएगा बच्चे। तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो बच्चे ठीक है पवन ऊर्जा आएगा। चौथे नंबर पर ठीक है आपको सौर ऊर्जा, और सबसे अंत में नाभिकीय ऊर्जा आता है बच्चे। तो यह ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा कि तापीय ऊर्जा द्वारा वर्तमान में 57% विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, तापीय ऊर्जा से होता है भारत में। और तापीय ऊर्जा मतलब क्या हो बच्चे, कोयले के दहन से, कोयला के दहन से ठीक है आपको यहां पर बिजली प्राप्त किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, हमारे ग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है, हमारे ग्रह में मृदुजल बच्चे सबसे अधिक मृदुजल कहां पर स्थित है, तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में या अस्थाई हिम में आपको सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, मृदुजल उपस्थित है। एकदम ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक मृदुजल कहां पर है, तो बच्चे सबसे अधिक मृदुजल आपको हमारे ग्रह में कहां पर होगा, तो हिमनदों में यह जमा है। हमारे ग्रह यानी पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% जल महासागरों में है, जो खारा जल होता है। 3% जल जो है वो आपको इधर अवेलेबल है, 2.5% कह दीजिए, 2.5% जल जो है इधर अवेलेबल है, उस 2.5% का ठीक है लगभग 82-83% हिस्सा बच्चे, ये 57.5% जो है कहां पर है, समुद्र में है। 2.5% जो है आपको क्या है, तो ये आपका मृदु जल है बच्चे, और इसी मृदु जल का लगभग ठीक आपको 80-82% जल जो है ये कहां पाया जाता है, तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है, समस्थानिक सर्वदा रेडियो एक्टिव होते हैं, ये गलत है बच्चे, ठीक है। अल्फा किरण सर्वदा ऋणावेशित होते हैं, ये भी गलत है। बीटा किरण सदैव ऋणावेशित होते हैं, ये आपका सही है बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर बच्चे। आपको पता होगा कि सभी समस्थानिक रेडियो एक्टिव नहीं होते, जैसे 6C12 और 6C14 ये देखिए, या आप ले सकते हैं 1H1 ठीक है, 1H2 और 1H3 लीजिए, इसमें रेडियो एक्टिव केवल कौन है, ये है, इसमें रेडियो एक्टिव केवल ये है, यानी आपको समस्थानिक क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है, लेकिन सभी समस्थानिक रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, धान में खैरा रोग का कारण क्या होता है, तो बच्चे धान में खैरा रोग का मुख्य कारण क्या होगा, तो याद रखना है धान में खैरा रोग का मुख्य कारण जिंक के कारण होता है। यह शरीर के का क्रियात्मक रोग है बच्चे, यह शरीर का क्रियात्मक रोग है धान में खैरा रोग, किसके कारण, तो जिंक के कारण होता है, जो मुख्य रूप से एक प्रकार का संक्रामक रोग है। याद रखना बच्चे, इस रोग की खोज पंतनगर ठीक है विद्यालय में
हुई थी। पंतनगर कहां पर है? तो बच्चे यूपी में है, ध्यान में रखना है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होती है। चुकंदर में हार्ट रोग बोरोन के कारण होता है। फूलगोभी में बटनिंग किसके कारण होगा? तो नाइट्रोजन के कारण होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए सेकेंड सेकेंड लोलक की लंबाई होगी बच्चे, सेकेंड लोलक, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो टी बराबर हो गया, टी बराबर हो गया 2 सेकेंड बच्चे। तो टी बराबर होता है 2π√L/g होता है, L/g होता है, कोई बात नहीं है बच्चे। अब क्या करते हैं, 2 × 3.14 हो गया, और बच्चे ये √L ही रहने दीजिए और जी को बाहर निकाल लेते हैं। तो जी अगर 9.8 था तो उसको बाहर निकालेंगे तो 3.14 ही होगा। तो बच्चे इसको इसको काट दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको इसको काट दीजिए, क्या होगा? तो √L बराबर ये 2 है बच्चे, तो 2 भी तो काट देंगे, एक ही 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और दूसरी तरह से बनाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक, बनाने के लिए तो इसको इससे भी बना लेते हैं, लेकिन चूंकि दूसरे फॉर्म में दिया हुआ आपको आंसर। चलिए यहाँ देखिए, सेकेंड लोलक की लंबाई क्या है? टी बराबर 2π√L/g, कोई बात नहीं है बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं, तो आपको √L, ठीक है, √L या √G रहने दीजिए, ठीक है। क्या करते हैं, √L या √G को इधर लेके जाते हैं, तो ये हो गया T/2π आ गया, ठीक है, बराबर क्या हो गया √L/g, ये ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, तो 2 सेकेंड कह दिया मैंने, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना 2 सेकेंड है, पुट कर दीजिए 2/2π, ठीक है, बराबर √L/g, कुछ नहीं है बच्चे। तो 2 को काट दीजिए, क्या बचा, पाए बचा, तो 1/π। अब रूट हटा देते हैं, तो 1/π का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, बराबर रूट तो हट ही गया है, बराबर क्या हो गया L/g हो गया, बराबर क्या हो जाएगा L/g हो जाएगा बच्चे, कोई बात नहीं है। तो जी का वैल्यू कितना है, 9.8 है, तो बच्चे क्या हो जाएगा एल बराबर क्या हो जाएगा, तो 9.8/π² देखिए कहां पर है, L बराबर 9.8/π², तो ए नंबर में ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए न्यूट्रॉन किसने खोजा था, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने बच्चे। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। रदरफोर्ड ने बच्चे, रदरफोर्ड ने याद रखिएगा सबसे पहले प्रोटॉन की खोज की, और इन्होंने, ठीक है, नाभिक का सिद्धांत दिया, नाभिक का सिद्धांत दिया था, एकदम ध्यान में रखिएगा, नाभिक का सिद्धांत दिया था सबसे पहले किसने, तो नाभिक का सिद्धांत आपको, ठीक है, आपको दिया किसने, तो रदरफोर्ड ने। जॉर्ज थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की बच्चे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो जॉर्ज थॉमसन ने किया था बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करा वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो कॉर्क कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से हमको कॉर्क प्राप्त होता है, बार बार मैं ये बताता रहता हूं आपको, कॉर्क कैम्बियम से वाणिज्यिक मूल्य वाला, ठीक, क्वेकर्स स्पेसिस से प्राप्त होता है, क्वेकर्स स्पेसिस से प्राप्त होगा मैंने कहा, ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होगा, कॉर्क कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से यह प्राप्त होता है, और यह क्या है, क्वेकर्स स्पेसिस है बच्चे, कॉर्क कैम्बियम से ये प्राप्त होगा, और ये क्या है, तो ये क्वेकर्स स्पेसीज है, कैम्बियम से प्राप्त होगा, ये क्वेकर्स स्पेसीज है, क्वेकर्स स्पेसीज आपको है, एकदम ध्यान में रखिएगा, स्पेसीज होता है। चलिए तो आंसर होगा ये, ठीक है बच्चे। साइकस जो होता है, साइकस ये क्या है, जीवित जीवाश्म की श्रेणी में इसको रखा जाता है। सिड्रस, सिड्रस के पौधे से हम, सिड्रस मतलब चीड़ हो गए बच्चे, देवदार हो गया, चीड़, चीड़ के पौधे से हम क्या करते हैं, तो बृहद पैमाने पर तारपीन के तेल का की प्राप्ति करते हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता, गलत बात है, उत्पादित होता है। इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, ठीक है बच्चे, इंसुलिन एक हार्मोन है जो मनुष्य शरीर में उत्पादित होता है, ये ज्यादा बेहतर आंसर लग रहा है आपको, आपको क्या लग रहा है बच्चे, तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है बच्चे। एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन याद रखिएगा, एड्रेनालिन स्टेरॉइड हार्मोन है, शायद मैंने पढ़ाया भी है, एड्रेनालिन आपको स्टेरॉइड हार्मोन है, ध्यान में रखिएगा, स्टेरॉइड हार्मोन होता है कौन, तो एड्रेनालिन स्टेरॉइड हार्मोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कौन, तो एड्रेनालिन आपको स्टेरॉइड हार्मोन होता है।
चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहा जाता है बच्चे? कर्नल भंग को क्या कहा जाता है? बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न है बच्चे। अब देखिए क्या होगा, तो सूचना प्रौद्योगिकी में कर्नल भंग भंग क्रैश को कहते हैं। यदि आपका सिस्टम पूर्णतः क्रैश हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्नल भंग कहते हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति ए बी, हाँ बच्चे कर सकता है, सही बात है। रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए और बी, तो ए बी अथवा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है, गलत बात है, नहीं कर सकता बच्चे, यह रुधिर दान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, कैसे करेगा बच्चे? ठीक है, क्योंकि दोनों में देखिए क्या है, प्रॉब्लम है बच्चे। ए बी वाला क्या है, तो ए बी में नो एंटीबॉडी, यानी यह सबसे ले तो सकता है, दे किसी को नहीं सकता है, ध्यान में रखिएगा, दे किसी को नहीं सकता है। चलिए ये अच्छी बात है, रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, ये सही है बच्चे। लेकिन इसमें भी क्या होना चाहिए, ओ निगेटिव होना चाहिए। ओ निगेटिव वाला रक्त वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, अन्य किसी व्यक्ति को यह रक्तदान कर सकता है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, यह संभव नहीं है। तो आंसर क्या होगा, एक और तीन हो गए बच्चे। कौन कौन सही हुआ, तो एक नंबर सही हुआ और आपको तीन नंबर सही हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि रुधिर वर्ग जो है, तो रुधिर वर्ग मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, और किसने रुधिर वर्ग के बारे में बताया, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था बच्चे। याद रखिए, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो बच्चे पायरोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। जैसे सूर्य का तापमान या विकिरण पर कार्य करता है, और यहाँ पर विकिरण पर कार्य करता है, और यहाँ पर क्या होता है, तो बच्चे कार्य करता है, और यहाँ पर किसका सिद्धांत काम करेगा, तो स्टीफंस का सिद्धांत काम करेगा, ई बराबर सिग्मा टी टू दी पावर 4 का सिद्धांत काम करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अर्ग सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है बच्चे, अर्ग सेकेंड मात्रक है। तो ये देखिए अर्ग मतलब क्या हुआ, अर्ग मतलब क्या हुआ, तो कार्ज हो गया बच्चे, कार्ज हो गया, और सेकेंड बोल रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या होगा, अर्ग मतलब क्या हुआ, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक है ये अर्ग, और सेकेंड, सेकेंड कह रहा बच्चे, तो ऊर्जा गुना सेकेंड। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कोणीय संवेग लेते हैं, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए बच्चे, कोणीय संवेग ही मात्रक होगा किसका, अर्ग सेकेंड का, प्लांक नियतांक, दोनों का होना चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं कैसे, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, एल बराबर, ठीक है, संवेग गुना अक्ष से दूरी, तो संवेग गुना अक्ष से दूरी बच्चे, तो संवेग क्या होगा, तो संवेग होगा आपको पता है बल, बल गुना सूक्ष्म समय को भी हम संवेग कहते हैं, गुना आर कर दीजिए, तो बल गुना दूरी बराबर क्या हुआ, कार्ज हो गया बच्चे, बल गुना दूरी बराबर क्या हुआ, कार्ज हो गया, कार्ज गुना समय हो गया, कार्ज गुना समय, कार्ज का सीजीएस पद्धति मात्र क्या होगा, अर्घ होगा गुना सेकेंड हो गया, ये एक तो आपको मिल गया यहाँ पर। अब बात करते हैं प्लांक नियतांक, संवेग तो बच्चे क्या होगा, संवेग होगा के जी मीटर पर सेकेंड, या आपको न्यूटन सेकेंड होगा, तो ये संभव नहीं है। गुरुत्वीय नियतांक भी संभव नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय नियतांक यानी गुरुत्वीय स्थिरांक क्या होता है, तो जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू, और ये क्या होगा, तो ये होगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्लांक नियतांक पर हम चर्चा करते हैं, प्लांक नियतांक पर हम चर्चा करेंगे, क्या है प्लांक नियतांक बच्चे, तो एच बराबर क्या होता है, ठीक है, आपको एच बराबर क्या होगा, ई बटे न्यू, ई मतलब ऊर्जा है, तो ऊर्जा, ऊर्जा क्या होगा बच्चे, तो ऊर्जा का मात्रक हो गया अर्घ, ठीक है, और आपको जो आपका आपूर्ति है, आपूर्ति का मात्रक हो गया पर सेकेंड, पर सेकेंड, जब पर सेकेंड है ऊपर जाएगा क्या होगा, अर्ग इंटू सेकेंड, यानी यहां पर ठीक है दो मात्रक हो गए, किसके, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का मात्रक हो गया अर्ग सेकेंड, इसीलिए आंसर क्या होगा आपका, ई नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन किसने किया था, परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन किसने किया था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, परमाणु नाभिक का प्रथम, ठीक है, प्रथम आपको विघटन रदरफोर्ड और जीन क्रॉक के, क्रॉक क्राफ्ट ने किया था। यहां देखिए परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन,
कृत्रिम विघटन, परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन किसने किया था, तो दो वैज्ञानिक यहां पर बच्चे, रदरफोर्ड ने और कुक क्राफ्ट ने किया था। ये आंसर हो गया ई नंबर। याद रखना बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु नाभिक का प्रथम जो कृत्रिम विघटन किसने किया था, तो रदरफोर्ड और ठीक है जॉन कुक क्राफ्ट ने किया था। यह प्रक्रिया 1932 में की गई थी बच्चे। कब किया गया था? 1932 में यह प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। ध्यान में रखिएगा, कुसिंग रोग किस हार्मोन के अति संक्रमण के कारण होता है बच्चे? कुसिंग रोग, ध्यान दीजिएगा, कुसिंग रोग जो होता है इसमें क्या होता है बच्चे? तो जनरली कुसिंग रोग में ना, कुसिंग रोग में क्या होगा, तो कुसिंग रोग में ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड का अतिश्रवण होता है। त्वचा मोटी होगा ही हो जाएगी, रक्तदाब बढ़ जाएगा, चेहरे में सूजन हो जाएगा, शरीर का वजन बढ़ जाता है। तो ये मुख्य रूप से ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड के कारण होता है। देखिए थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बच्चे, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है। तो ये दोनों हार्मोन TSH जो है ये थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है और ये उपापचय का नियंत्रण करेगा। थायराइड ग्रंथि का को एक्साइट करता बच्चे। ACT यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रेनलिन कही एक तरह से, एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए आपको किसको प्रेरित करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करता है। एकदम याद रखना बच्चे, बार बार यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड हार्मोन बच्चे, यानी MSH जो है, MSH हार्मोन जो है मिनरलो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। याद रखिए नेटवर्क में WEP का क्या उदाहरण है बच्चे? तो वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी नहीं बच्चे, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी नहीं, WEP का मतलब वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, बात बराबर है, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। याद रखिएगा आजकल इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं कि हमारे नेटवर्क में किसी का प्रवेश, अनाधिकार प्रवेश ना हो जाए, नेटवर्क में ही रोक देते हैं व्यक्ति के प्रवेश को। चलिए अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और यह लॉन्च किया है शनि ग्रह पर खोज के लिए, शनि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चे? तो अग्निशामक में हम याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन पर बात करते हैं, और इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है और बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होता है और यह जलते हुए वस्तु के चारों तरफ एक मोटा आवरण बना लेता है और ठीक है आपको ऑक्सीजन को प्रतिबंधित कर देता है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जलती हुई वस्तु को और आग बुझ जाएगा बच्चे। मार्स गैस को मिथेन गैस या मार्स गैस CH4 होता है और यह बहुत उपयोगी गैस है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। सल्द कंद यानी बल्ब के संबंध में सही कथन है, इसमें सल्की पर्ण पाए जाते हैं, सही बात है, इसके निचले भाग में अपस्थनिक जड़ें निकलती है, ठीक अपस्थनिक जड़ें निकलती है, ध्यान में रखिए बच्चे अपस्थनिक जड़ें, ये भी सही है आपको, ये भी सही है। और बच्चे यह तना का भूमिगत रूपांतरण एकदम सही है, प्याज आपको है ये प्याज, ठीक है लहसुन, ठीक है प्याज की कुंचित सलकंद तथा लहसुन की सल्की सलकंद कहते हैं, एकदम ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ई नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, सल्क कंद के संबंध में सही कथन क्या है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्यूरी किसका यूनिट है बच्चे? रेडियोधर्मिता की सबसे का बड़ा मात्रक क्या है? क्यूरी होता है, ध्यान में रखिएगा, क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है। रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक क्या होगा? तो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता का SI मात्रक होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, इसका SI मात्रक होता है कौन? तो SI मात्रक होगा बैक्वेरल, क्या होगा? बैक्वेरल होगा, लेकिन ठीक है इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी होता है, एकदम ध्यान में रखना है, क्यूरी इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है, तो रेडियो धर्मिता होगा। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, गामा किरणों की ऊर्जा, तो चूंकि ऊर्जा है तो जूल ही होगा बच्चे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चे लोग, तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, लगातार जुड़े हुए रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए इस सेट में भी बहुत नए नए प्रश्न को डाला गया है, तो बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में और बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे और एक मैराथन लेकर के ठीक अगले एक दो दिन में आते हैं और आपको विस्तार से फिजिक्स के क्वेश्चन पर हम रूबरू करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।